नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। द खबरदार न्यूज़ की तरफ से दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। मान्यता है कि आज दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में हम इस मान्यता के पीछे का कारण बताएंगे और साथ ही ढेर सारे नीलकंठों के दर्शन भी करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए। नीलकंठ से जुड़ी कई कहावतें भी हैं, जैसे नीलकंठ का दर्शन होए मन वांछित फल पाए सोए, या नीलकंठ तुम नीले रहियो हम पर कृपा बनाए रहियो। ज्योतिषचार्य पंडित राजकुमार शर्मा के अनुसार इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वाले के लिए बहुत शुभ होता है। किंवदंतियों दंतियों के मुताबिक लंका जीत के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। धरती पर भगवान शिव का प्रतिनिधि है नीलकंठ पक्षी। जनश्रुति और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। दशहरे पर नीलकंठ का दर्शन होता है शुभदायक। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। एक बार फिर से आपको दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।